बेदया पुराण पलटा बेदया पुराण हो बेदया पुराण पलटा लिखल बाब खान हो। वेद और पुराण भी अगर पलटेंगे तो महिषासुर एक ऐसा दानव था जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं मार सके, एक स्त्री को ही उसका वध करना पड़ा। तो क्या है कि वेदया पुराण पलटा लिखल बाब खान हो, बेटियों से चले लाई सगरी जहान हो, बेटियों से चले लाई सगरी जहान हो। जब वही बेटी माँ बन जाती है और पता नहीं कितने मर्दों को एक औरत जन्म देती है और उसी बालक को अपनी जांग पे सुला के वो तेल भी लगाती है, अपने सीने से लगा के दूध भी पिलाती है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो स्त्री और बेटी नहीं चाहिए। क्या बेटी ये तमाई बनी बेटा बाप के पोसे ली, आँखिया के तारा कही तिल दे ही घसली, जुलमी जमाना संगे जुलमी जमाना संगे जुलमी जमाना संगे मर मत जान हो, बेटियों से चल लाई सगरी जहान हो, बेटियों से चल लाई सगरी जहान हो। सोचे ना बिचारे लोगवा गला देता घोट हो, ममता के मूर्ति के लगता टे चोट हो, जब से ये लिंग परीक्षण का समय आ गया, टेक्निकल इतना ज्यादा आजकल इलाज आ गया कि पहले ही पता चल जाता है जांच से कि पेट में बेटी है या बेटा है, और मालूम चल जाता है कि बेटी है यानी उसका खात्मा। इसी चलते इस धरती पे आज भगवान भी नहीं रहे, क्योंकि कहते हैं भगवान कि मैंने मनुष्य बनाया था, लेकिन ये मनुष्य तो खुद अपने आप को भगवान समझने लगा, किसको मारना है किसको जिंदा रखना है ये मनुष्य अपने आप फैसला करने लगा, मेरा कोई मतलब नहीं इस धरती पे, इसलिए इस धरती से चले जाना ही अच्छा है। क्या सोचे ना बिचारे लोगवा गला देता घोट हो, ममता के मूर्ति के लगता टे चोट हो, हो सोचे ना बिचारे लोगवा गला देता घोट हो, ममता के मूर्ति के लगता टे चोट हो, बोला
बड़ी जान हो, बेटियों से चले लाई सगरी जान हो, बेटियों से चले लाई सगरी जान हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।